भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। जो ये भाई सतलज रिवर है भाई, स्लाइड हुई थी ना एक दो महीने पहले कि समथिंग यहाँ पे, तो देखिए थक गए थे काफी, पिछवाड़े दर्द करने लगे भाई, बूंदी खा रहे हैं रास्ते से, बूंदी लैंड साइड की वजह से काफी रास्ता टूट चुका था। लेफ्ट साइड की रोड पूरी चली गई। अब ये देखिए भाई क्या ही खतरनाक पहाड़ भाई, ऐसा लग रहा है पहाड़ में से ही बादल निकल रहे हैं। टनल के बाहर निकले तो भाई कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई पड़ा भाई। प्रीवियस ईयर कोई पानी टपक रहा था इसमें से पानी का भाई, ऐसे ऐसे व्यू देख के भाई मन मोहित हो जाता भाई, क्या करें इसका काट के कोई कोई बंदे। ठीक है डिश, कुछ अजीब सा लग रहा है, पहली बार खा रहा था क्योंकि हिमाचल में ना ठंड बहुत अच्छा होती है। यहाँ तो पेट्रोल वाले भैया ने भी मना कर दी कि यहाँ पर नहीं रुकोगी हमारी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं फ्रेश व्रेश होके रेडी हो चुका हूँ और देख सकते हैं बढ़िया मज़ा आ गया, मतलब सुकून भरी नींद आई है आज, जो नींद आई है बढ़िया नींद आई है। और जो लास्ट राइड थी हमने कवर कर ली थी, यहाँ तक आ गए थे हम। अगर आपको नहीं पता है, हम आपने इससे पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं निकला हुआ हूँ ग्वालियर टू लद्दाख उमलेंगला, जो कि दुनिया का सबसे ऊँचा पास है, 19024 फीट की ऊँचाई पर मौजूद है। तो हम ग्वालियर से निकले हुए हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लद्दाख के लिए अपनी 100cc बाइक से, 100cc बाइक से, ज़्यादा बड़ी बाइक नहीं, 100cc, दो भाई हैं हम, दोनों ही जा रहे हैं। अभी अम्बाला से 15 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं, अभी देखते हैं आज कितना कवर हो सकता है, जितना ज़्यादा कवर हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे। टारगेट तो वैसे मनाली है कि हम मनाली पहुँच जाएँ आज ही, तो अभी यहाँ से ना 320 किलोमीटर दूरी पर रह गया मनाली, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा मनाली 320 किलोमीटर। और जो ऐसे ही हम एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश में तो पहाड़ आ जाएंगे, तो वहाँ पर ना स्पीड जो है गाड़ी की कम हो जाएगी। अभी तो हम फास्ट चला रहे थे काफ़ी, क्योंकि हाईवे है बढ़िया, 6 लेन हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, तो आराम से इजीली गाड़ी खिंच जाती है स्पीड में 80 की स्पीड में। अभी तो फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश एंटर कर लेंगे, उसके बाद तो ही मुश्किल से 50 की स्पीड या 60 की स्पीड चल पाई, क्योंकि पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया होता है और फिर टनल वगैरह भी है, तो स्पीड मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ को देखकर हम टारगेट देखते हैं, हम मनाली पहुंच जाएंगे। 320 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट डे में ही 518 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। तो चलिए चलते हैं, बैग पैक कर लेते हैं अपना, गाड़ी पर रख लेते हैं, जो कि टेंट वगैरह भी निकालना है हमको। तो ये सामान पैक हो चुका है भाई, 1 से 1.5 घंटा लग गया इसी में भाई, क्योंकि ना तरीके से पन्नी वन्नी लगा के बांधा है, इस वजह से लेट हो गए। बाकी चलते हैं, और ये भी ढीला हो रहा था कल, तो ये भी टाइट कर लिया है, और वो डंडा जो है डीला हो रहा था उसको भी टाइट कर दिया है। तो ये पेट्रोल फिल करा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि पहले मैंने पेट्रोल फिल कराई थी, देख सकते हैं 518 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी, जो कि मैंने फुल कराई थी 1200 रुपये की, तो अभी फुली करा लेते हैं, देखते हैं वैसे बची हुई काफ़ी सारी। पानी की बोतल भर लेते हैं, काम में आई रास्ते में। तो भाई धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए विदा लेते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ से विदा लेके अपनी नेक्स्ट सिटी जो है वो आने वाली है अपनी अम्बाला। अभी पेट्रोल तो फिल करा ही नहीं है, आगे करा लेंगे क्योंकि है अभी पेट्रोल उसमें, और देखते हैं कितनी चल सकती है आगे तक। तो भाई यहाँ से रह गया अम्बाला कैंट 3 किलोमीटर दूर। तो अम्बाला के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अम्बाला जो है भारत के हरियाणा राज्य के अम्बाला ज़िले में स्थित नगर और नगर निगम है, यह जिले का मुख्यालय भी है और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है। और ये जो है अम्बाला जो है लॉन्ग टाइम से भारतीय सेना की प्रमुख छावनी रही है, और दो भागों में विभाजित है ये, अम्बाला छावनी और अम्बाला नगर, और जो दो नदियों से घिरा हुआ है, उत्तर में घग्गर नदी है और दक्षिण में टांगरी नदी है। ये कुछ जानकारी थी थोड़ी बहुत यहाँ की अम्बाला की। अम्बाला शहर में आप सभी का स्वागत है भाई। यहाँ पर ट्रैफिक देखिए कितना हो रहा है, अभी अम्बाला सिटी से निकल नहीं पाया, देखिए ट्रैफिक भाई दम से ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये यहाँ पर भाई आधा घंटा पूरा जाम में फंसे रहे भाई, पता नहीं किस वजह से जाम लगा हुआ था, यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था, पता नहीं सिग्नल की वजह से क्या था, जाम में फंस चुके हैं ये भाई। अम्बाला सिटी के बाद से भाई काफ़ी जाम हुआ भैया, काफ़ी सुबह सुबह 8 बजे इतनी भीड़ हो रही है। काफ़ी भीड़ हो रही है गाँव। तो अभी पेट्रोल फिल करा लेते हैं यहाँ पे, अभी हम चंडीगढ़ बाईपास से, मतलब चंडीगढ़ के अंदर एंटर नहीं होंगे बाईपास से, वो तो हुए रूपनगर की तरफ जाएंगे, तो यहीं पे डाल लेते हैं पेट्रोल पम्प, क्योंकि रोहित की ख़त्म हो चुकी है, मेरी तो है क्योंकि मेरे में 2 लीटर पेट्रोल ज़्यादा बनी थी कल, इस वजह से।
सकते हैं यहाँ पर 97.76 रुपीस प्रति लीटर है। यहाँ पे अपनी 849 रुपये 53 पैसे का पेट्रोल आया है 8.69 लीटर। कल मैंने ना 1200 रुपये की फिल्टर लगा टैंक, तो ना 1200 रुपये वहाँ पर 97.53 थी, जो कि 8.5 लीटर पेट्रोल यहाँ पर था। इसका मतलब मेरा जो गाड़ी का एवरेज है और चल चुकी है, जब से मैंने जब वहाँ पर डलाई थी फर्स्ट टाइम फुल टैंक जहाँ करा था 100 से ज़्यादा चलती थी, 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती, और अभी हम 447 किलोमीटर के समथिंग, मतलब वही 50-53 का एवरेज मेरी गाड़ी दे रही है। वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, फाइनली आप सभी का चंडीगढ़ में स्वागत है। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, ये बाईपास है, वहाँ पे ही बगल से ही टी स्टॉल है, वहाँ पे चाय पीने के लिए और दो परांठे लगवा लिए आलू के, जो कि 30 रुपये का एक परांठा है और चाय 15 रुपये की है। काफ़ी परेशान हो गया भाई वो पंजाब में घुस के, उसमें क्या कहते हैं चौराहे चौराहा आ रहा है, हर एक किलोमीटर चलने के बाद चौराहा आ रहा। बाल देखिए क्या हालत हो रही, बालों की बेकार हो गए भाई। अभी भाई कितना किलोमीटर चला है हमने, बस मात्र 518 था, अभी 592 हुआ है, मतलब 70 किलोमीटर के समथिंग अभी चलाया हमने, 2 घंटे हो गए हमको, 3 घंटे, हाँ 3 घंटे लगभग हो चुके हैं। अभी तो हमने 70 किलोमीटर गाड़ी चला पाई है, देख तो काफ़ी ट्रैफिक मिला है हमें। तो ये आ चुकी है अपनी चाय और ये गर्मा गर्म पराठा, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। बढ़िया यहाँ का पंजाब का भाई, पराठा चेक करके देखते हैं कैसा पराठा, पराठा भाई बढ़िया एक नंबर है भाई, गर्मा गर्म काफ़ी अच्छा लग रहा पराठा, टेस्ट तो है भाई, चाय तो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ले लद्दाख का परमिट अप्लाई कर देते हैं, अभी खाली बैठे हुए हैं और नाश्ता कर लिया हमने, पराठे खा लिए हैं, बढ़िया पराठे का जो टेस्ट था वो बढ़िया था, तो परमिट अप्लाई कर लेते हैं, घर से कवर करके नहीं लाए थे, अभी कर लेंगे अप्लाई। तो हम डेट ऑफ जर्नी रखेंगे अपनी 17 तारीख, तो और एक और डेट ऑफ जर्नी बताता उसमें 19 तारीख। तो अभी ध्यान रखना आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ले लद्दाख परमिट अप्लाई कर सकते हो, जो कि मतलब परमिट नहीं होता है, मतलब परमिट कहते हैं उसे, पर इन्वायरमेंट फ़ीस कटती हो, जो कि इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट होती है, तो कंट्रीब्यूट की जाती है उस वजह से परमिट अपना नहीं लगता है, अगर कोई फॉरेन से आ रहा है तो लगता है, अपन इंडिया के अंदर किसी का भी परमिट लगेगा, बस इन्वायरमेंटल फ़ीस जो होती है वो कटती है, जो कि पर पर्सन शायद 400 रुपीज़ कटती है, और कितने दिन के लिए आप जा रहे हो वो डिसाइड, जैसे कि 5 दिन के लिए आप लोग जा रहे हो तो 100 रुपीज़, मतलब 20 रुपीज़ पर डे का, और उसमें जगह भी चूज़ करनी होती है कि कौन कौन सी जगह जाना है, तो आप लोग सारी सिलेक्ट कर लेना। बाकी मैं अभी परमिट अप्लाई कर देता हूँ, डिटेल में वीडियो इसकी आपको अलग से मिल जाएगी देखने को, और काफ़ी सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन तो नहीं लेना, आप घर से ही लेके जाना, मतलब और हार्ड कॉपी कम से कम 5 हार्ड कॉपी उनसे रख लेना। ऑफलाइन फ्रॉड ये हो रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं कि अप्लाई करके तुम्हें दे देते हैं, कॉपी पकड़ा देते हैं, पर वो ना फेक पकड़ा देते हैं परमिट, बाद में पता चलता है, ऐसा आपको ले लेता कि परमिट सर की साइड पर जाओ ना, तो वहाँ पर भी पॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है ऐसा ऐसा, तो ये आप ध्यान रखना, आप लोग खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ फ़ी है जो 280 रुपये, मतलब 7 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं तो पर डे के हिसाब से 20 रुपीज़ हो गए, और 7 डेज़ के लिए 140 रुपीज़ हो गए हैं, तो दो लोग हैं हम, दो लोगों का एक साथ कर रहे हैं 280 रुपये हो गए हैं, और इन्वायरमेंट फ़ीस देख सकते हैं आप लोग 800 रुपये, मतलब 400 रुपीज़ पर पर्सन, और रेड क्रॉस फंड वो वॉलंटरी रहता है, आप लोग चाहते हो तो कर सकते हो, 50 रुपीज़ पर पर्सन कंटिन्यूस में फ़ंड देना होता है, तो टोटल हो गया 1080 रुपये दो लोगों का 7 दिनों के लिए, तो देख सकते हैं ये, चलें बाय बाय। तो चलो भाई काफ़ी सारा रुक लिया यहाँ पे, 1 से 1.5 घंटे रुक लिया, और काफ़ी आराम कर लिया, थक गए थे भाई, आज तो जाना गाड़ी नहीं खींच पाई भाई, मुश्किल से 70 किलोमीटर चलिए, अब कैसी करके खींच रहे हैं भाई, 250 किलोमीटर रह गया अभी तो। बाकी परमिट अप्लाई कर दिया है मैंने, और उसकी PDF निकलवाना है, प्रिंट आउट घर से लाते तो प्रिंट आउट मेरे पास तो प्रिंटर ही था, तो वहीं से निकाल लेता, अब रास्ते में कहीं रूपनगर में या सुंदरनगर में ऑनलाइन की दुकान होगी, तो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे।
लो भाई हरियाली में आ चुके हैं भाई, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा पहुंचने वाले हैं। अब फील हो रहा है भाई, ग्रीनरी सी आ चुकी है भाई और ठंड, थोड़ा मौसम भी ठंडा सा हो चुका है। लो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है भाई, देख सकते हैं हरा भरा और सामने इधर पहाड़ भी दिख रहे हैं। कैमरे में दिख पा रहे हैं कि दिख पा रहे हैं पता नहीं है, बट मुझे दिख पा रहा है थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिख रहे हैं। और ये तो भाई ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है, बड़े बड़े पहाड़ आना बाकी भाई, तब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और क्योंकि साथ में नदी होगी, पहाड़ होगा और बढ़िया सा हाईवे भाई। सामने की तरफ देखिए थोड़ा थोड़ा कोहरा था, पहाड़ कोहरे से ढके हुए हैं और थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, विजिबिलिटी काफ़ी कम है वहाँ की दूर की। भाई ये जो आप लास्ट ढाबा देख रहे हैं, ये वाला भाई लास्ट टाइम पे जब मैं यहाँ पे आया था 2023 में, मनाली जा रहे थे हम लोग, मैं और रोहित, तब यहाँ पर खाना खाया था भाई। और उसी जगह पर फिर से एक साल के बाद यहाँ पर फिर से आ गए। बाकी भाई पहाड़ों के देखो खुशी खुशी वो हो रही है ना भाई, मैं बता नहीं सकता क्या खुशी हो रही है, उम्मीद की किरण जागी है, पहाड़ आ गए। तो भाई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एंट्री गेट आ चुका है, भाई गाड़ी की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है अब पहाड़ी पे, जो कि अब आवाज़ करने लगी है गाड़ी। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है, पधारिए हिमाचल प्रदेश। लो भाई हिमाचल प्रदेश की पहली टनल जो मनाली के रास्ते से आती है, मनाली तक पहुँचने के लिए जो रास्ते बनती है हिमाचल प्रदेश की पहली टनल, देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। लो भाई टनल नंबर 1 लेंथ 18 मीटर, इस टनल की जो लेंथ है वो 1800 मीटर है। भाई देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, भाई देखिए किस तरीके से जाल लगाया गया है इसमें, जाली लोहे के जाल, जिससे कि ये पत्थर ना नीचे नहीं गिरे एकदम से। और वही टनल नंबर 2 भी आ चुकी है और इस टनल की लेंथ 465 मीटर, ये छोटी एक है और इससे पहले वाली थी वो 1800। तो भाई ये जो आप साइड में लेफ्ट साइड में मेरे रिवर देख पा रहे हो, ये क्या ही क्लियर क्रिस्टल पानी है भाई, इसका साफ एकदम ग्रीन पानी, ग्रीन लग रही है, लुक्स अमेजिंग। ये भाई सतलज रिवर है भाई, क्योंकि पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे लंबी नदी ये है। आप लोग नज़ारे देखते देखते थक जाओगे भाई, पर यहाँ पर नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। क्या भाई क्या ही खूबसूरत जगह भाई, रगी टनल नंबर 3 हिमाचल प्रदेश की, थोड़ी सी शांति है। तो रह गया 170 किलोमीटर और शिमला 92 किलोमीटर, 170 और 192। अगर आपको शिमला जाना है तो ये राइट साइड का रास्ता है और यहाँ से लेफ्ट साइड मनाली, बिलासपुर के लिए राइट जाना पड़ेगा। अभी हमको तो मनाली जाना है तो लेफ्ट लेते हैं भाई, राइट साइड मनाली शिमला है और लेफ्ट साइड मनाली। तो भाई फाइनली भाई, ACC सीमेंट 2 फैक्ट्री इस तरह का भाई, सेकंड फैक्ट्री जो देख सकते हैं। लेंथ है भाई 740 मीटर, किस तरीके से भाई लैंडस्लाइड हुई थी ना 1-2 महीने पहले की समथिंग यहाँ पर, तो देखिए भाई क्या हालत हुई है यहाँ पर। तो भाई लैंडस्लाइड नॉर्मली होती रहती है भाई हर बारिश में, भाई खतरा बना रहता है यहाँ पर। तो भाई रास्ते में रुके हुए हैं, थक गए थे काफ़ी, पिछवाड़े दर्द करने लगे भाई, बूंदी खा रहे हैं रास्ते से बूंदी ली थी। अभी यहाँ से मनाली जो है 138 किलोमीटर रह गया, तो अभी 3:15 बज रहे हैं, देखते हैं रात के कितने बजे तक पहुँचते हैं, लगभग 8 बजे तक या 9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, वहीं पे देखते हैं कैंपिंग करेंगे या कहीं रुकेंगे देखते हैं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि हम प्लान
हमारे अकॉर्डिंग प्लान नहीं चलेगा, हम जो बनाएंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा वहीं पहुँच के। सुंदर नगर पहुँच गए हम, और जो हमने परमिट अप्लाई किया था, ये मतलब जो हमारे फीस पे की थी ना लेह लद्दाख परमिट, उसका प्रिंट आउट करवाना भाई। कम से कम 3 पेज थे वो, 3 पेज के 5 सेट चाहिए, मतलब 5 कॉपी होनी चाहिए वो परमिट की। खुश होते हैं वहाँ पर, वही देख रहे हैं यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है, और इससे पहले भी देखा था तो वहाँ पर सब फोटो कॉपी कर रहे थे, वो प्रिंट आउट निकाल रहे थे, जरूर नगर था वो वहाँ पे। तो यहाँ पे एक शॉप मिल गई थी फोटो कॉपी की, तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा के उसकी 5 फोटो कॉपी करा ली हैं। तो चलते हैं भाई, ये सुंदर नगर से आगे ही मिली थी, अभी देखते हैं भाई, अभी तो वाटर हो गया तो पहुँच गए हम। चलो भाई चलो मनाली, चलो मैं चलो, कब तक पहुँचेंगे रे बाबा, भूख द्वारा से लगने लगी है रे बाबा दोनों को। अभी लास्ट ईयर में जब गए थे इसमें मनाली गए थे ना हम घूमने, तब लेफ्ट साइड में मुड़ गए थे, जब ये वाला रास्ता ना मैप पे ही दिखा रहा था और लैंड साइड की वजह से काफ़ी रास्ता टूट चुका था, तो अभी हम राइट साइड से जा रहे हैं, देख सकते हैं राइट साइड से ही रास्ता बता रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है ना इतना ख़तरनाक था भाई, भाई मतलब मुश्किल से 7-8 फुट चौड़ी रोड से चलना पड़ रहा था भाई, इतनी चौड़ी रोड से वही पहाड़ों के ऊपर चढ़ के, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था भाई, वो भी हम 2 लोग थे, रात के 9 बज गए थे, तब जाके हम बंतर में 9-10 बजे के समथिंग पहुँच पाए थे बंतर में। बाकी ये वाला रूट जो है वो टनल से होते हुए ले जाता है, और काफ़ी मतलब चौड़ा हाईवे है वो, काफ़ी पहाड़ों से होते हुए, तो उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना भैया, इसी रास्ते में बेटर रास्ता है। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ पर बड़ा सा गुरुद्वारा बना हुआ है भाई, क्या ही खूबसूरत सा गुरुद्वारा बना हुआ है मार्बल का एकदम। प्रभाव देखिए भाई, लेफ्ट साइड की रोड पूरी चली गई, तो डाइवर्जन है यहाँ से, हमको इसी हाथ से मतलब इसी साइड से निकलना पड़ रहा है, उधर की रोड पूरी टूट चुकी है, और ये देखिए लैंडस्लाइड्स में पत्थर भी गिरे हुए हैं, और जो ये देख रहे हैं बगल से ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी के किनारे ही ये पूरा मंडी बसा हुआ है, और इसका पुराना नाम जो है मांडव नगर भी है बोला जाता है इसको। भाई सामने का व्यू देखिए भाई, क्या ही खतरनाक पहाड़ भाई, ऐसा लग रहा है पहाड़ में से ही बादल निकल रहे हैं, क्या खूबसूरत सा सीन है सामने का, गजब। तो अभी थोड़ा भाई एक घूम घूमता रास्ता था, अभी सीधा रास्ता था आ गया, और आगे टनल आने वाली है, टनल में एंटर होंगे, 2-3 टनल मिलेंगी आगे की तरफ। तो ये वाली टनल देखिए भाई, ये दूसरी टनल में घुसे हैं भाई, यहाँ पर तो लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर भी नहीं है, और वैसे अंदर बड़ा भाई, अपनी फॉग लाइट जानी पड़ रही है भाई इस उजाले के लिए। टनल के बाहर निकले तो भाई कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई पड़ा भाई, क्या ही बड़े बड़े पहाड़ आ गए भाई, मज़ेदार भाई, साथ में नदी दोनों तरफ पहाड़, और बीच में हाईवे भाई, क्या शानदार नज़ारा है। ये वाली टनल देखिए भाई खतरनाक, ऊपर से भाई इस पिछले टाइम जब आए थे ना प्रीवियस ईयर, कोई पानी टपक रहा था इसमें से, पानी का समय था तब, और भाई अभी देखिए भाई मतलब प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है, पूरी कच्ची रखी है, प्लस्टर वगैरह भी नहीं हुआ है, और कोई लाइट नहीं, मतलब लाइट हुआ है थोड़ी तो है थोड़ी और। भाई मेरे लेफ्ट साइड देखिए पत्थरों का पहाड़ भाई क्या बड़ा, और राइट साइड में देखिए भाई हरियाली भरा पहाड़ भाई, और साथ में नीचे की साइड राइट साइड में नदी है, और भाई बीच में हाईवे भाई, क्या ही शानदार व्यू है भाई, ऐसे ऐसे व्यू देखते भाई मन मोहित हो जाता है भाई, क्या करें, गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, और अभी यहाँ से मनाली जो है 63 किलोमीटर दूरी पर रह गया है, और बुंतर है वो 13 किलोमीटर दूरी पर, तो भी कुछ खा लेते हैं भाई, भूख लग रही है, सुबह से बस 2 पराठे ही खाए थे आलू के, उससे पेट भर गया था, और काफ़ी सारी गाड़ी चला दी, तो गाड़ी भी जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है, ठंडी हो जाएगी, और देखिए कपड़े देखिए क्या हालत हो रही भाई, पूरा मतलब ये देखिए भाई हालत ख़राब हो रही है, कपड़ों की गंदे हो गए काफ़ी, धूल हो रही है। देखो ये गोभी का है, बंद गोभी, ये तो हमारे यहाँ भी मिलता है। हाँ। सिद्धू में क्या खासियत है? सिद्धू में सोयाबीन की दाल है, सोयाबीन की दाल, और सोयाबीन की दाल बढ़िया टेस्ट से खाते हैं,
ये अपना चटनी के साथ खाते हैं, ये टमाटर और लहसुन और अदरक धनिया। ये चटनी है, ये चटनी है, ये लगवा लेते हैं। बढ़िया सिद्धू एक लगवा लेते हैं, पहले एक लगा दो, पहले एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सिद्धू लगवा लिया, वो 60 रुपये का एक पीस है, और खा के देखते हैं। जैसे कि भैया ने बताया, मैंने भी काफी सुना है रील्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में, आपको भी ट्राई भी करते हैं। क्या है सुपरमैन आटा, मतलब सुपर फाइन आटे का, यानी अच्छा वाला, सबसे बढ़िया आटा, सबसे बढ़िया वाला उसका ये बनाया जाता है। अच्छा, काफी टेस्टिंग भी बनता है अच्छा वाला। और इसके साथ अपना अखरोट भी डालते हैं, लेकिन अखरोट ज्यादा महंगा होता है ना, तो इसलिए उसका भी स्वाद थोड़ा कुछ और अच्छा होता है, मतलब बढ़िया होता है उसका स्वाद अखरोट का, लेकिन वो महंगा होता है। और ये सोयाबीन की दाल, इसमें टेस्ट अच्छा है। का आधा कोई मांगेगा तो 20 का काट के कोई कोई बंदे आते हैं, 20 ले लिया, अब अखा आएगा तो 60-70। ठीक है, टेस्ट अजीब सा लग रहा है, पहली बार खा रहे हैं। आप पहली बार खा रहे हैं, इधर दिखाइए जरा, पहली बार खा रहे हैं आप, लेकिन बंद है शायद। अच्छा अच्छा चालू। हिमाचल का जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हिमाचल में ना ठंड बहुत अच्छा होती, यहाँ गर्मी नहीं होती, ना तो मच्छर नहीं लगते, मच्छर भी नहीं होते, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया हिमाचल का। तो मोमोज भी लगवा लिए हैं, ये 70 रुपये की प्लेट है, 12 पीस इसमें है, और इसी चटनी के साथ खाना होगा। हाँ, तो जैसे कि ग्वालियर में मिलते हैं, अपने यहाँ मिलते हैं, बस उससे थोड़ा साइज बड़ा अच्छा है, मतलब साइज बड़ा है। चलिए खा के टेस्ट करके बताते हैं। काफी अच्छा है भाई, टेस्ट तो एक नंबर भाई, मोमोस काफी मजेदार लग रहे हैं। अभी नहीं मिलते, सिद्धू से अच्छे थे मोमोस लग रहे हैं, क्योंकि ना मैं फर्स्ट टाइम खाए थे तो समझ नहीं आया मुझे, बाकी ये एक नंबर लग रहा भाई, मोमोस एक नंबर। तो भाई चलते हैं, काफ़ी देर रुक लिया यहाँ पे, तकरीबन आध पौन घंटा रुक लिया, और पेट जो है भर सा चुका है अब थोड़ा, कि अभी आराम से गाड़ी चलाएंगे। 63 किलोमीटर रह गया मनाली, कोई गाड़ी गर्म हो चुकी थी, भयंकर कोई घंटे नहीं है, 70-80 किलोमीटर चला दी थी वहाँ से। भाई ऊपर देखिए पहाड़ों पर सिर्फ लाइटें चमक रही हैं, पता नहीं वीडियो में आ रहा है समझ में आ रहा है आपको, पर मुझे तो दिख रहा है भाई लाइटें चमक रही होती है, भाई कितने। भाई देखो ऑफ रोडिंग आ चुकी है, ऑफ रोडिंग जो लैंडस्लाइड हुई थी उसका इम्पैक्ट ऐसे रास्ते, भाई काफ़ी थक गया हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हिमाचल प्रदेश की स्लिप कटी है 100 रुपये की पर बाइक की, 7 डेज की, ऐसा नहीं किया ही है। देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और डेट वगैरह लिखी हुई है। तो भाई पीछे वहाँ पर जाम लग गया था, कोई और भी गाड़ी आ रही थी वहाँ से पीछे से, तो जल्दी बल्दी वहाँ से हट गए थे। अभी वहाँ क्लियर जब रुकेंगे आप मनाली भी जाते 5-5 किलोमीटर की दूरी रह गया है, तो रुक के बताऊँगा मैं पूरा कि वो क्या है कैसे नहीं। तो दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं, हम यहाँ पर 9:30 आ चुके थे मनाली में, और पेट्रोल हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे रुके हम। काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे पेट्रोल मिला, तो पेट्रोल वाले भैया ने भी मना कर दी कि यहाँ पे नहीं रुको, कि हमारी पेट्रोल की गाड़ी आ रही है, टैंक आ रहा है, तो उन्होंने ही मना कर दिया। और काफ़ी थक चुके थे हम भाई, मतलब काफ़ी, मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है आज, तो हालत ख़राब हुई भाई, जो मतलब मंडी के बाद का रास्ता जो मिला ना भाई, काफ़ी ख़तरनाक था भाई, हालत ख़राब हुई। अभी 2 दिन बाकी बचे हैं उमलेंगला जाने के लिए, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड है, धीरे धीरे सरचू जिसपा जो है जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो अभी हम 1200 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं, हम लगभग कंफर्म नहीं था, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो डायमॉक्स टैबलेट है वो एक ले सकते हैं, मतलब डिनर के बाद एक ले सकते हैं और लंच के बाद एक, तो मतलब पर डे 2 खाना है ये। और जब तक आप वहाँ पहुँचोगे 2 दिन पहले खाना है उससे, मतलब जब हाई एल्टीट्यूड से पहले, और 2 दिन बाद तक खाना है ये। तो ऐसे कुछ मैंने जब परमिट अप्लाई कर रहा था ना, तो उसकी हेल्थ एडवाइजरी में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, आप लोग भी मैं चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके कैसे खाना है। तो ये मुझे ये पता चला, तो मैं अभी खा रहा हूँ क्योंकि मैं लाया था यहाँ से, क्योंकि ये हो जाएंगी हमारी, ये खा लेते हैं। बाकी थक चुका हूँ, बाकी मैं सुबह बताऊँगा क्या मैटर क्या हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी आपको तो पता ही है क्या क्या हुआ आज वीडियो में। तो चलिए बाय बाय।